टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव्स. जस्ट सी द सेंटेंस. द यंग ब्यूटीफुल हार्ड वर्किंग एंड रिलीजियस बॉय बास्किंग इन द सन इन द गार्डन व्हिच इज लोकेटेड ऑन रेलवे रोड न्यूली कंस्ट्रक्टेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर हुज माय अंकल वाज सैड. बताएंगे जी यहाँ पे आपके एडजेक्टिव कौन कौन से हैं. सेंटेंस में बताइएगा कौन कौन से एडजेक्टिव. यंग ब्यूटीफुल hardworking, working, religious, yes. आगे, बस. Railway, sad. Basking in the sun, in the garden. ये भी क्या है? Boy के meaning में इजाफा कर रहा है. Which is located in railway road. ये किसके meaning में इजाफा कर रहा है? Garden के. और उसके बाद क्या होगा? न्यूली कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. ये किसके महीने में इजाफा कर रहा है? रोड के. और कॉन्ट्रैक्ट हु इज माय अंकल किसके महीने में इजाफा कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टेड के. तो आप एक ही सेंटेंस में मैंने सारी चीजों को मैंने एग्जाम्पलीफाई किया कि अगर हमने किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करना हो तो उसके दो तरीके हैं. या हम उसको पहले लगा रहे हैं, या उसको बाद में लगा रहे हैं, या उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो बेसिकली हमारा सब्जेक्ट या नाउन कौन सा है? बॉय है. और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? सैड है. और बाकी सारे प्री मॉडिफायर भी एडजेक्टिव्स हैं, पोस्ट मॉडिफायर भी एडजेक्टिव्स हैं. ये प्री मॉडिफाइड डिटर्मिनर भी हो सकते हैं, लेकिन पोस्ट मॉडिफायर ज्यादातर फ्रेजेस और क्लॉजेस ही होती हैं. ये आप देखेंगे बास्किंग फ्रेजेस है, और विच इज लोकेटेड ये क्या है? क्लॉजेस है. इस तरह से ये फ्रेजेस और क्लॉजेस मिला के एडजेक्टिव बना. तो देन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव होता क्या है? जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड फाइंड द वर्ड. हाउ कैन दे दिस बी डिस्क्राइब्ड? दिस पिक्चर कैन बी डिस्क्राइब्ड हाउ? व्हाट एट्रीब्यूट्स वुड यू एस्क्राइब टू इट? क्या आप देंगे इसको एट्रीब्यूट? कलर वगैरह. उसकी कलर आप कैसे क्या और क्या कह सकते हैं? ब्लैक और रेड है, ब्यूटीफुल है, और न्यू है, एक्सपेंसिव है, वेल मैन्युफैक्चर्ड है, रिच कलर्ड है, डेकोरेटेड एंड शाइनिंग है. तो ये सारे के सारे वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? इस पेन को. पेन को. तो इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या हो गए? एडजेक्टिव्स हो गए. अब एडजेक्टिव को आपने इंडिकेट करना है कौन कौन से वर्ड हैं. मैं सिर्फ जो ना वो सिर्फ एक आध एग्जांपल दूंगा जिनके एंड पे एबल आ जाए वो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं. और ये याद रखिएगा ये नाउन के साथ मोस्टली लगते हैं. जैसे फैशन है, एबल लगा दिए फैशनेबल हो गया. ऑनर नाउन है, एबल लगा दिए तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. तो इसका सोर्स भी याद रखना है और इसकी इन्फ्लेक्शन या इसका सफिक्स भी याद रखना है. क्योंकि सोर्स से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वर्ड ये कौन सा था. आप दो वर्ड को आपने समझ लिया, ऑनर को भी समझ लिया और ऑनरेबल को भी समझ लिया. तो इस तरह से क्या होगा, समटाइम ये वर्ब के साथ भी हो सकता है. जैसे वॉश है, धोना भी है, तो वॉशेबल हो जाएगा. बाकी जो है ना वो क्या होगा, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं. डिवाइड से है, डिवीजन से, डिविजिबल है, इस तरह. उसके बाद है अल लगाते हैं. ये बी एल ही था, ये ए एल था. ए एल लगाने से भी एडजेक्टिव बन जाते हैं. एडिशन, क्लासिक, कॉन्टिनेंट, इंस्टीट्यूट, मैकेनिकल या मैकेनिक, ट्रेडिशन, वोकेशन, इन सभी के साथ नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? अल लगाने से क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं. बाद ये हम जिनके साथ आई एन या ई एन या ए एन इस्तेमाल करते हैं, ये किसी ना किसी इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, या क्या होगा, किसी मजहब से वो तलक रखते हैं, या किसी फिरके से तलक रखते हैं, या फिर किसी इलाके से तलक रखते हैं. ये भी नाउन के साथ हम अटैच करते हैं, और ये प्लेसेस के साथ भी हो सकता है, किसी मजहब के साथ भी हो सकता है. जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन जो ना बन जाता है, ठीक है, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं इसको. इसके अलावा क्या होगा, ए आर वाई लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं. प्लैनेट से प्लैनेटरी हो गया,
मोमेंट से मोमेंट्री हो गया. उसके बाद बेस का वर्ड, बाउंड का वर्ड और एस का वर्ड, ये हम इस्तेमाल करते हैं जो सफिक्स लगा के भी जो है ना वो हम एडजेक्टिव बनाते हैं. क्लास बेस्ड, फॉग बाउंड, या क्या होगा स्नो बाउंड, पिकरेस्क वगैरह वगैरह. उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेशन है फोल्ड लगाने. फोल्ड जिसके साथ लगा हो वो भी एडजेक्टिव होगा. थ्री फोल्ड यानी तीन शाखों वाला, तीन पहलुओं वाला. नाउन के साथ हम फ्री लगा दें तब भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको. केयर फ्री, ड्यूटी फ्री, गिल्ट फ्री वगैरह इस्तेमाल करेंगे तब भी वो एडजेक्टिव होते हैं. उसके बाद हमारा अगला इंडिकेशन है फुल है. फुल मैंने पहले भी बताया था, फुल चंद एक वर्ड के सिवा ज्यादातर फुल वाले जो होते हैं वो नाउन होते हैं. जैसे इसमें कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कप फुल है, हैंड फुल है, बकेट फुल है, ये है फुल वाले हैं लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं बल्कि नाउन है जो मैंने अभी बोले. हैंडफुल, कप फुल और बकेट फुल. बकेट फुल वाला आपने चैप्टर टू में पढ़ा था यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड, तो उसमें हमने कहा था कि बकेट फुल यूज फॉर डेली यूज, तो इस तरह से वो लाती थी. पास्ट में जो ना वो क्या लाती थी, वो क्या होगा, पानी लेके आती. तो इस तरह से हम अगला जो ना हमारा है वो इक का जब इस्तेमाल करते हैं, इक लगाते हैं तो तब भी यहाँ पे क्या बनता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है. और ये भी नाउन के साथ एसिड से एसिडिक की उसकी क्वालिटीज होती है. याद रखिएगा जैसे फोटो है, फोटोग्राफिक हो जाएगा यानी उसके फोटो जैसी क्वालिटीज. नेशनलिज्म इसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद है जी हमारा इश लगा दे तो ये कोई नेशनलिटी बन जाती है, उसका एडजेक्टिव बन जाता है, उस जैसी क्वालिटीज या एक आइडिया डेवलप कर लेता है. जब आइडिया डेवलप करना होगा तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे गर्ल से गर्लिश यानी गर्ल जैसी क्वालिटीज मुराद होगा. इसी तरह से आयत हम नेशनलिटीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसका इश लगा. इसके अलावा हम क्या होगा, कुछ एडजेक्टिव और नाउन को मिक्स करके भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे नेड का वर्ड है, आगे सफिक्स है सॉरी, इस तरह से लेस का सफिक्स है, उसके बाद जो है वो लाइक का सफिक्स है, मेड का सफिक्स है, माइंडेड का सफिक्स है. के बाद ये हम जिसके साथ लगाएंगे, जैसे लाइक माइंडेड, लाइक जो है ना वर्ब था और लाइक माइंडेड जो है ना वो क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया. इनका इस्तेमाल करते हैं हम. मोस्ट का सफिक्स लगाते हैं. और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है वो अस का इस्तेमाल है. ये भी नाउन के साथ लगते हैं. और अब जरा देख रहे हैं कि ज्यादातर इसका जो सोर्स है वो ज्यादातर नाउन है. नाउन के साथ हम सफिक्स इस्तेमाल कर लें तो वो क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं. फेम से फेमस है, फ्यूरी से फ्यूरियस है, कर्टसी से कर्टियस है वगैरह वगैरह. ये जो हम आमतौर पे मिस्टेक्स होती हैं या नाउन की जगह पे क्या लगता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसकी जगह पे हम कैसे एडजेक्टिव कन्फ्यूज करते हैं, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर हमें ये पता हो डेंजर डेंजरस में फर्क हो, हमें पता हो कि इसके सफिक्सेस क्या हैं, तो वी कैन ईजिली रिकग्नाइज दैट. इस तरह से प्रूफ, बुलेट प्रूफ जैसे हम लगाते हैं, क्या होगा, रिलेटेड का सफिक्स इस्तेमाल करते हैं. इस तरह से रिच का इस्तेमाल करते हैं, रिडन है, साइड है, और उसके बाद क्या है, साइज्ड है और सम है. जैसे डल सम, वेंचर सम, लोथ सम यानी लोनली सम, ये सारे के सारे एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे. और क्या होगा स्टिकन, जैसे क्या होगा हॉरर स्टिकन, प्लेग स्टिकन, फेमन स्टिकन, पॉवर्टी स्टिकन, गरीब लोग. उसके बाद राइट, कार्ट राइट, मेल राइट, प्ले राइट, नाउन के साथ इस्तेमाल होता है. टाइप का वर्ड जो ना सफिक्स इस्तेमाल होता है, स्टाइल का सफिक्स इस्तेमाल होता है. ये सारे के सारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं. ये तो इंडिकेटर्स से अब हम जाएंगे जी इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं. सर एक मिनट बैक कर दें. पीछे बस ठीक है, आगे उसके बाद है जी हम
देखिएगा हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो पहला इस्तेमाल कहाँ पे है, बस कहाँ पे यूज करते हैं, बिफोर अनाउन। जैसे सेकेंड लार्ज स्टडी, एजुकेटेड पर्सन, क्लाइंबिंग अप द वॉल, क्लाइंबिंग। अब ये देखिएगा हमने नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देख रहे हैं को वर्ड भी हो सकता है, को फ्रेज हो सकती है, पार्टिसिपल फ्रेज हो सकती है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो सकता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जरा देखिएगा, एक एग्जांपल देखिएगा, आई सॉ अ टॉल हेल्दी एनर्जेटिक एंड इंटेलिजेंट बॉय। अब इससे पहले इस्तेमाल हुआ है। जो फ्रेजेस हैं, एजुकेटेड फ्रॉम यूके वेयर माय अंकल लिव्स हु इज अ प्रोफेसर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी व्हिच इज अ वर्ल्ड रेनाउंड यूनिवर्सिटी इज रैंकिंग गिवन बाय वॉच डॉग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब जितने मर्जी इसको जो सेंटेंस को हमने एक्सटेंड करते हैं या उसका साइज बढ़ाते हैं, वो भी हमारे इन एडजेक्टिव्स के मरूने में ना होता है। या एडवर्ब है या एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं, यूज करके हम सेंटेंस के वो बढ़ा देते हैं। अब देखिएगा, अब ये याद रखना है कि अगर ये वर्ड है तो वर्ड को हम पहले लगाते हैं, अगर ये फ्रेज है तो फ्रेज को हम नाउन के बाद लगाते हैं। यानी दो पोजिशन है, एक प्री मॉडिफायर है और एक पोस्ट मॉडिफायर। तो अगर वो क्या हो गया, अगर वर्ड की सूरत में, जैसे टॉल हेल्दी एनर्जेटिक एंडल, ये वर्ड की सूरत में तो पहले लगाएंगे, अगर फ्रेज की सूरत में है तो ये बाद में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से द पर्सन एजुकेटेड फ्रॉम यूके इज वाइज, कंफ्यूज्ड एट इज फेलियर द मदर डेमोनिस। अब कंफ्यूज्ड एट इज फेलियर किसके मीने में इजाफा करें, मदर के। एजुकेटेड फ्रॉम यूके कौन है, पर्सन है। हर मदर डेमोनिस हर सन कंफ्यूज्ड एट फेलियर। अब देखिए मीनिंग कैसे चेंज करता है। अब कंफ्यूज्ड एट हिज फेलियर क्या मदर को कोऑर्डिनेट कर रहा है? No. नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इसकी पोजीशन क्या बनती है, कौन है जो 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 कंफ्यूज्ड है, क्या होगा, सन है। तो इसका मतलब है ये जिसको क्वालिफाई करता है उसकी करीब होना चाहिए ताकि मीनिंग में कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। तो ये इस तरह से मदर डेमोनिस्ड हर सन कंफ्यूज्ड क्या होगा, एट हिज फेलियर। तो अब जाहिर है कंफ्यूज्ड एट हिज फेलियर, अब कौन है, वो बेटा है तो उसके साथ लग जाएगा तो सही होगा। द बॉय विद ब्लैक बियर्ड वाज डूइंग हिज प्रिपरेशन फॉर सीएस एग्जाम टू बी हेल्ड दिस मंथ। अब विद ब्लैक बियर्ड किसके मीने में इजाफा कर रहा है, वो बॉय के मीने में इजाफा कर रहा है। ये हमारा एक था। अब यहाँ पे हमने सम टाइम क्या यूज करते हैं, नाउन के बाद भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े वर्ड हैं, यानी गिनती के चंद वर्ड्स हैं। जैसे वर्थ वाले एडजेक्टिव जो है हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। ये तीन वर्ड हैं, देयर, इलेक्ट और डेजिग्नेट। तो ये वाला हम एडजेक्टिव जो है वो बाद में इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली हम एडजेक्टिव उससे पहले लगाते हैं, जो वर्ड की सूरत में, फ्रेज की सूरत में बाद में लगाएंगे। लेकिन ये मैंने बताया कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे यहाँ पे देर इसके वहां वाला लड़का क्या होगा, इलेक्ट नाउ प्रेसिडेंट, इलेक्ट ऑफ क्या होगा, मुंतखब किया हुआ। तो डेजिग्नेट ऑफ इंडिया का क्या होगा, चुना हुआ। वर्थ सीइंग वाले, वर्थ रीडिंग, वर्थ लुकिंग, वर्थ वाले जितने भी एडजेक्टिव होते हैं ये नाउन के बाद लगा। इसी तरह से हमने क्या होगा, फ्रेजेस और क्लॉजेस को हमने नाउन के बाद लगाया, जैसे हु एज है यहाँ पे, वेयर वी कैन टॉक है, हु हेल्प्ड मी है, इसके बाद दैट वाज रनिंग या दैट वर रनिंग, विच वाज मेड ऑफ, बुल इन द कंसर्ट है, इम्पोर्टेड फ्रॉम द वे है। बुल इन द कंसर्ट किसके मीने में इजाफा कर रहा है, बुल के। इसी तरह से इम्पोर्टेड फ्रॉम द वे किसके मीने में इजाफा कर रहा है, गुड्स के। और चेजिंग द बॉल कौन किसके मीने में इजाफा कर रहा है, चिल्ड्रन के। तो ये उस नाउन के साथ होना चाहिए जिसके मीनिंग में इजाफा करे। एज अ कॉम्प्लीमेंट भी यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट है जब उसको कंप्लीट करे, जब टू बी वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या होगा, प्रेडिकमेंट जो है हम फंक्शन कहते हैं जिसके, प्रेडिकेटिव फंक्शन कहते हैं कि जिसमें एज अ क्या यूज करते हैं हम, टू बी वर्ब के बाद हम इस्तेमाल करते हैं इसको। तो ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। इसमें ये चीज याद रखनी है कि अगर तो इसके साथ नाउन है तो फिर हमने ए एन लगा सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के साथ कभी भी ए एन नहीं लगा सकते। उसके बाद है जी हमारी कुछ वर्ब के बाद हम इस्तेमाल करते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब के साथ भी लगाते हैं,
जैसे मेड मी हैप्पी, गॉड हिज मदर ट्रीटेड, फाउंड हिम अस्लीप और लेफ्ट अलाइव। अब यहाँ पे इन वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेड के बाद हैप्पी आ गया, गेट के बाद ट्रीटेड आ गया, फाउंड के बाद स्लीप आ गया, लेफ्ट के बाद अलाइव आ गया। तो ये हम क्या है, कुछ वर्ब के साथ भी बाद में भी इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव। और जो सेंस वर्ब होते हैं उनके बाद भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सेंस वर्ब का फर्क समझिएगा कि समटाइम ये एक्शन होता है और समटाइम ये वो सेंस वर्ब या टू बी वर्ब का फंक्शन प्ले कर। अब जरा देखिएगा, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं आपके सामने, जैसे ही ग्रू द क्रॉप्स, क्या होगा, रैपिड होगा या रैपिडली होगा? रैपिडली, रैपिडली होगा। और अगर मैं कहता हूं ही ग्रू रैपिडली या रैपिड, क्या होगा बेटा? रैपिड, रैपिड होगा। यानी कि ग्रियो के दोनों मीनिंग आ रहे हैं। कौन कौन से? एक मीनिंग है उसका एडजेक्टिव का और एक क्या होगा, एक उसका एक्शन का है और एक टू बी वर्ब का है। तो जब टू बी वर्ब आ जाए तो फिर हमने एडजेक्टिव लगाना है, और जब एक्शन आ जाए तो फिर हमने वर्ब लगाना है। अब जरा देखिएगा जी, शाबाश, बताइएगा पहले सेंटेंस में क्या लगाएंगे? सैड, सैड होगा। दूसरे में? सैडली, सैडली, क्योंकि यहाँ पे एक्शन है। शाबाश। नेक्स्ट वाले में? सही है, सही है, ठीक है, टर्न रेड। और अगर मैं कहता हूँ आप ऐसे कह ले, टर्न्ड, आप कह ले उसको, आप रैपिड, रैपिड को हम इस्तेमाल करें। अगर मैंने पहली अगर मैंने इस तरह से सेंटेंस बोलूं कि ही टर्न्ड एट द कॉर्नर, रैपिड होगा या रैपिडली होगा? रैपिडली, रैपिडली होगा। यहाँ पे एक्शन मुराद है, मुड़ना, उसका टर्न करना है। और अगर ही टर्न्ड रैपिड या रैपिडली टू सी अ लाइन, रैपिड होगा यहाँ पे। यानी कि होने का जब मीनिंग आ जाए तो फिर हमने क्या यूज करना है, एडजेक्टिव लगाना। देखिएगा, फील्ड सेक है, सिक है, सीम टायर्ड है, सीम डेंगरी है, और क्या होगा, आई टेस्टेड टू बर्गर्स, क्या होगा, डिलाइटेडली होगा या डिलाइटेड होगा? डिलाइटेडली होगा, क्योंकि टेस्ट यहाँ पे क्या है, कर रहा है। और अगर दिस यहाँ पे एक्शन है, और अगर यहाँ पे होता है कि दिस फूड टेस्ट, तो फिर क्या होगा, डिलाइटेड हो जाएगा। यानी कि जब ये होने का मीनिंग दे तो फिर हमने देखते लगा, टेस्ट फाइन है, जैसे टू बी वर्ब है। सिग्नल इज लो, ही ग्रू टायर्ड, फूड ऑल वेंट बैड, रिमेंड काम, और शुड बी नाइस एंड रेगुलर। क्लियर हो गया? ये फर्क समझ आ गया, जो बी का और एक्शन का दोनों का फर्क जो है क्या होता है। इसके बाद आगे सलीन जी, हम प्लेसमेंट जो है ये जरा देखिएगा, ये हम क्या होगा, प्रिडिक्टिव केसेस में इस्तेमाल करते हैं। ये एडजेक्टिव जो है, जो लेफ्ट साइड वाले आपके सामने नजर आए, इनको हम किसी और फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनका एक ही यूज होता है, प्लेसमेंट का। जैसे हमने बाकी का पढ़ा कि वो आगे भी पीछे भी है नाउन के, और एज अ प्रिडिक्टिव केसेस होती है। लेकिन जो यहाँ पे ये एडजेक्टिव लेफ्ट साइड वाले हैं, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ टू बी वर्ब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जितने भी हैं। और राइट साइड वाले ये इसकी एट्रीब्यूशन बताते हैं। यानी कि अगर हमने एट्रीब्यूट के तौर पे इस्तेमाल करना हो, ये कंप्लीट करते हैं। ये वाले सारे के सारे एडजेक्टिव जो है वो नाउन को कंप्लीट कर रहे होते हैं, और ये वाले दोनों फंक्शन में होते हैं, कंप्लीट भी कर रहे होते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स भी दे रहे होते हैं। जैसे अफ्रेड से उसका अगर आपने लगाना है, तो अब जरा एग्जाम्पल से आपको सही आइडिया होगा जी। अब जरा बताइएगा पहले सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। Frightened boy होगा, क्योंकि afraid boy हम afraid का हम सिर्फ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, predicative जो है ना वो function में इस्तेमाल। क्या होगा? Similar या two like-minded person think alike and work together। अब यहाँ पे alike पहले नहीं आ सकता। शाबाश, अगला ठीक है, सही है। एट वाज अशेम्ड, नहीं अशेम्ड जो है वो एज अ टू बी वर्ब के बाद लगा है ना, तो फिर ये सही है जी। टेरिफाइड,
तो टेरिफाइड पर्सन होगा, आवाज नहीं लगा सकते क्योंकि नाउन से पहले इसको नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद है जी, हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं एडजेक्टिव की, बना कैसे देते हैं हम, क्या होगा ये दो एडजेक्टिव हो सकते हैं, ये एडजेक्टिव और पार्टिसिपल हो सकते हैं, इजी गोइंग, इजी लुकिंग, हाई, अर्ली राइजिंग। उसके बाद डेरिवेटिव हो सकते हैं मैकेनिक से मैकेनिकल, जो हमने पहले पढ़ा भी। उसके बाद एडजेक्टिव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगा सकते हैं, वेल कट, वेल जो ना हुआ है, जैसे आपने डार्क आई, गोल्डन कलर्ड, डार्क आईड, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल लगा के हम क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। नाउन और साथ एडजेक्टिव लगा देते हैं, ब्लड थर्स्टी, नाइट माइंडेड, केयर फ्री वगैरह हम बनाते हैं। इसके अलावा हम पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल, पार्टिसिपल लगा के हम इसको एडजेक्टिव बना देते हैं, जैसे फ्रीडम, लविंग। अभी फ्रीडम जो है ना वो नाउन था, लेकिन लविंग लगा के क्या बना दिया हमने इसको, एडजेक्टिव बना दिया। तो इस तरह से हम करते हैं, नाउन के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगा दे, मैन मेड, मेड का वर्ड इस्तेमाल करें, एयर बॉर्न, स्पेल बाउंड, फॉरेस्ट टक, नाउन लगा के हम इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, और ऑल है जैसे वगैरह वगैरह। इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के ऑल अफेक्टिंग, ऑल नोइंग, ऑल क्या होगा, प्रिवेंटिंग वगैरह। अलावा हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैंटेड, यानी वेल के साथ को वर्ड लगा देते हैं, जैसे वेल मैनेज्ड, इसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, वेल मैनेज्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल डिजर्व्ड वगैरह। पास्ट पार्टिसिपल इसी तरह सेल ब्रेड। उसके बाद हमने पिग हेडेड, हेडेड का वर्ड इस्तेमाल करके, पिन हेडेड, एम्प्टी हेडेड, ठीक है, इस तरह से हम वर्ड इस्तेमाल। इसके अलावा जरा अब आपने लेट सी जी, आपने सेंटेंस को ठीक करना, शाबाश। माय फेवरेट प्लेस टू वॉक इज द पार्क अक्रॉस द स्ट्रीट। क्यों टू वॉक यहाँ पे कौन कर रहा है, स्ट्रीट करनी है या किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, टू वॉक, माई के नहीं, माई फेवरेट प्लेस के, तो क्या होगा यहाँ पे उसके बाद लगाना। जी अब यहाँ पे क्या होगा, प्लेस और टाइम को, और वैसे भी जो है ना वो क्या होगा, वरना ईयर ओवर द मडी अगर यहाँ पे होगा तो इसका मीनिंग क्या बनेगा कि ईयर जो है वो मडी क्रीक पे था, जो कि गलत होगा, तो इसको हम उसके साथ लगाएंगे। शायद दोनों तरीके से हो सकता है, देखिएगा, तो वुडन ब्रिज ऑन द मडी क्रीक वॉज बिल्ट, और या वॉज बिल्ट ऑन द ओवर द मडी क्रीक। जी ट्री के मीनिंग में इजाफा कौन कर रहा है, बिसाइड द लेक, तो उसको उसके साथ होना चाहिए। शाबाश। बिसाइड द प्लेग्राउंड आर सप्रियस ट्री, बिहाइंड द, शाबाश। नेक्स्ट वाला, इन द नेस्ट पहले नहीं आएगा जी, क्यों, क्योंकि क्या होगा, रॉबिन इन द नेस्ट इज वॉचिंग हर यंग मेट, तो इन द नेस्ट दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले अंडरस्टूड हो गया। उसके बाद फिक्शन ऑफ साइंस, ऑफ साइंस जो है ना फ्रेज, किसके मैंने मजाफा करी, फिक्शन के। The pie of four cups. The pie of fruit needs, क्या बनेगा
कप ऑफ फ्रूट नहीं, फोर कप्स ऑफ फ्रूट हो गया ना, क्या होगा फोर कप्स ऑफ फ्रूट, द पाया फोर कप्स ऑफ फ्रूट, नहीं नहीं बोल के क्या होगा, नीड फ्रूट, नीड पाए का क्या बनेगा, द पाए अ फ्रूट नीड कैसे बनेगा, द पाए अ फोर कप्स, द पाए फोर कप्स नीड फ्रूट, इस तरह से बनेगा, द पाए फोर कप्स क्या होगा, नीड फ्रूट होगा, तो यानी उसके हिसाब से हम लगाएंगे सेवन. जी जी, द पाए नीड्स फोर कप ऑफ फ्रूट क्या होगा, उसको मीनिंगफुल बनाना, द पाई ऑफ फोर कप्स ऑफ फ्रूट या क्या होगा, द पाई ऑफ फोर कप्स नीड फ्रूट, इस तरह से जो आप मीनिंगफुल बनाना है उसके साथ अटैच करना है जिसके मीनिंग होगा. उसके बाद स्टूडेंट फ्रॉम मिस्टर लेविस क्लास वन फॉर प्राइज, यहाँ पे फ्रॉम लेविस क्लास प्राइज नहीं है बल्कि क्या है, स्टूडेंट की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसके साथ होगा. जी, द लोड क्रैश ऑफ द कैंबल क्रैश वाज सिंबल वाज डिफाइनिंग होगा. शाबाश. फॉर द असाइनमेंट, थैंक यू. फॉर द असाइनमेंट, डायरेक्शन फॉर द असाइनमेंट हो गया. ऑन द टेबल इज माइन, is mine, ठीक है. On the water, the light on the water. जी, क्या होगा? On the water, the play of sunlight on the water, ठीक है, ठीक हो गया. Scuffed the gym floor, नहीं. Somebody with feet of large proportion. Somebody आ जाएगा उसके मीनिंग में. जब सही है, she mowed the area around the trunk of the tree. She mowed the area of the tree. शाबाश, she mowed the area of the tree around the trunk हो गया, ठीक है. एरिया अब जो ना वो अराउंड द ट्रंक तो नहीं, एरिया ना क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्री अराउंड द ट्रंक हो जाएगा. कर रहा है वहां पे घास का. The house on the corner. On the house. ठीक है. The horse. क्या होगा? Turned up the fence, hopes that. क्या बनेगा? Trotted up to the fence, the horse hopes that you have enough. दोबारा देखिएगा. The horse trotted up to the fence. ठीक है? Hopes. किस किस के साथ लगाएंगे? The horse hopes that you have enough. ऐसे बनाया जा सकता है. The horse नहीं, trotted up to the fence. The horse hopes. ऐसे बना ले. क्या बनेगा? Trotted up to the fence. The horse then. ऐसे क्यों नहीं है? कैसे? ये ठीक नहीं हो सकता. इस जिस तरह से अभी है
Yes, yes, sentence ठीक नहीं हो सकता नहीं trotted up to the fence इतना तो सही हो गया ठीक है that you have an apple hopes that you have an apple or carrot अब बताइएगा जरा कौन होप कर रहा है यहाँ पे अप टू द फेंस होप्स अब यहाँ पे ये क्या मीनिंग दे रहा है कि हो फेंस होप कर रहा है पॉसिबल नहीं होगा ना फिर फेंस होप कर रहे हैं यहाँ पे तो जनरल कॉमा लगा सकते हैं कॉमा लगने बल्कि फिर हमने जो ना वो क्या होगा हम सेंटेंस ऐसे बनेगा पर द हॉर्स ट्रॉटिंग अप टू द फेंस क्या होगा ये फिर हमने पार्टिसिपल फ्रेज बना देंगे होप्स दैट यू हैव ऐसे बना सकते हैं हम क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ट्रॉटिंग कर रहा है या ट्रॉटिंग हुआ है हुआ है नहीं कर रहा है ना यहाँ पे हॉर्स एजेंट है उसका या उसका रिसीवर है So, trotted का मतलब क्या होता है? मतलब जंप लगाना या आगे बढ़ना तो क्या होगा अब trotting up to the fence hopes that you have फिर दोनों हम उसका सेंटेंस बना सकते हैं इन्हीं का मीनिंगफुल तभी बनेगा ना जब वो यहाँ पे एजेंट मौजूद है तो फिर हमने क्या लगाना प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल कर देंगे ऐसे भी बनाया जा सकता है ठीक होगा okay. समझ आ गए बच्चों okay. सर दोबारा बता दें जी मैंने बताया ना कि अब यहाँ पे trotting up to the fence है Trotting up to the fence कौन है ठीक है ना या यू कर रहा है या हार्स कर रहा है ऐसे है ना तो अब यहाँ पे क्या होगा ये अगर हॉर्स के मीनिंग में तो है हार्स एजेंट है या उसका रिसीवर है एजेंट है जी एजेंट है तो फिर क्या होगा फिर हम क्या लगाएंगे वहां पे कौन सा पार्टिसिपल एजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल तो फिर क्या बनेगा ट्रॉटिंग अप टू द फेंस जी ट्रॉटिंग अप टू द फेंस हो जाएगा फिर समझ आ गया बच्चों हाँ भाई क्लियर हो गया यस सर ओके नेक्स्ट वाला देखिएगा The water in the pipe. The water clogged in the pipe. Oh, clogged कौन हुआ है? Clogged कौन हुआ? Water हुआ है. ठीक है? तो हमने क्या use करना है वहाँ पे? उसका. Next वाला देखिएगा. Come on. Walking on the beach, jellyfish that had washed the shore. Walking on the beach, यानी jellyfish तो नहीं walking on the beach होगी. क्या हो सकती है? क्या होगा? Walking on the beach कौन कर रहा है? आरिफ है. जी, तो क्या बना sentence? Arif dodged the jellyfish. ठीक है शाबाश उसके बाद क्या बनाएंगे Arif speaking to the booze of the alarm clock curse Sara क्या बना अब यहाँ पे अब यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है वॉकिंग टू द बज ऑफ द अलार्म क्लॉक कौन कर रहा है मंडे कर रहा है या हारिस कर रहा है हारिस कर रहा है तो इसको कैसे फिर सॉल्व करेंगे इसको उठा के कहाँ पे ले जाएंगे हारिस के साथ इस्तेमाल करेंगे ठीक हो गया जी तो इस तरह से आपने जो ना वो क्या करना है ये बाकी आपने सारे के सारे खुद करने हैं जितने भी आगे हैं सारे के सारे एडजेक्टिव जो है ये आपका आज का टास्क भी है उस जो आपको आपको मिला हुआ है ये लेक्चर सभी को मिल गया था आप लोगों को शेयर कर दिया था मैंने सुबह yes. इसको सभी को देखना है फिर शाम पे इस पे जो ना वो अगर आपको समझ आ गई तो ठीक नहीं तो फिर हम मीटिंग कर लेंगे इस पे ठीक है बच्चों चलें जी अल्लाह हाफिज़